इवनिंग फ्रेंड्स, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाने जा रहे हैं 56 कद्दू की सब्जी, जिसके लिए हमने आधा किलो 56 कद्दू लिए हैं। 56 कद्दू बहुत ही छोटे छोटे साइज़ के लिए हैं, जो थोड़े नरम होते हैं। उसके बाद हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लंबे काटे हैं, 3 छोटे टमाटर, 3 हरी मिर्च और अदरक लहसुन की पेस्ट ली है। 56 कद्दू को हम जैसे प्याज लंबे काटे हैं, छोटे छोटे साइज़ में ऐसे काट लेते हैं। फ्रेंड्स, हम जल्दी ही इनको काट के वापस मिलते हैं। कद्दू को काटने के बाद और प्याज को काटने के बाद अब हम गैस पे पैन चढ़ाएंगे और उसमें 1 कड़छी सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है। अब थोड़ा तेल गर्म हो जाएगा तो आप इसमें 1 तेज पत्ता डालेंगे और 1 साबुत लाल मिर्च आप डालेंगे, जिससे इनका सब्जी का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। जब थोड़ा सा ये लाल हो जाए या थोड़ा सा पक जाए तो आप इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। यही है, जीरे के पकने की बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। आंच को आप थोड़ा धीमी रखेंगे। अब इसमें आप अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको हिलाते रहेंगे लगातार। अदरक और लहसुन को हल्का सा लाल करना है बस, उसके बाद आपने इसमें प्याज को डालना है। प्याज को बस हल्का सा ब्राउन करना है, उसके बाद आपने इसमें कटा हुआ टमाटर और हरी मिर्च डाल देनी है। प्याज को हमने हल्का सा ब्राउन किया है, उसके बाद हमने कटा हुआ टमाटर और हरी मिर्च उसमें डाल दिए। अब इसको मिक्स करेंगे। टमाटर भी थोड़ा सा पक गया है तो इसके बाद हम अब डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और हल्दी। हल्दी का कलर जैसा आपको सब्जी में अच्छा लगता है। अगर आप सब्जी में तीखा कलर पसंद करते हैं तो आप हल्की सी इसमें देगी मिर्च डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको तब तक पकाते रहेंगे जब तक ये पूरी तरह तेल ना छोड़ने लग जाए। मसाला लगभग बन के तैयार हो गया है। क्योंकि ये नीचे लगने लग गया है इसलिए हम हल्का सा इसको पानी लगा देंगे। ज़्यादा नहीं लगाना है पानी, बस हल्का सा लगाना है और अब इसको हिला देना है और बाद में इसमें इसमें 56 कद्दू डाल देंगे हम। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसको 4-5 मिनट के लिए ढक देंगे, पर बीच बीच में देखते रहेंगे क्योंकि हमने इसको ज़्यादा पानी नहीं लगाया है ताकि सब्जी नीचे ना लग जाए। कद्दू का साइज थोड़ा बड़ा काटा था इसलिए इसने पकने में 10 से 12 मिनट लिए हैं। लगभग हमारी अच्छे से सब्जी बन के तैयार हो चुकी है, देखिए आप। अब इसमें हम थोड़ा गरम मसाला डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है। अभी आप इसको गार्निश करने के लिए हरा धनिया डालेंगे कटा हुआ। और गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे।
अभी हमारी सब्जी बन के तैयार हो गई है और खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। होप आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।